साहब ईद कैसी गुजरी है? जबरदस्त। हमारे फाटक पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन आ गई है। जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे ट्रेन गुजर जाएगी। खैर अभी आगे बढ़ते हैं अपने कामों की तरफ। और एक साथ मुझे ना काफ़ी सारे काम मिल गए। ले जी फाइनली एक साइड से तो मैंने खोल दी है। अभी मुझे ऊपर टेरेस पे जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। जब से व्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 6 से 7 दिन का कैब जो है ना वो आ गया। ईद पे मैं चला गया गाँव और वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था घर जाके। तो खैर अभी लोग वापस आ गया हूँ और आज से हम अपनी रेगुलर पहले वाली रूटीन जो है ना उसको बरकरार करते हैं। कल रात को ही आया हूँ मैं लाहौर वापस और आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कि रात को अच्छे खासे जलसे जुलूस वगैरह चल रहे थे। इलेक्शन थे ना कल, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है ना वो फंसे रहे हम रोड पे। खैर बड़े लंबा वेट करने के बाद मैं बहुत ही मुश्किल से पहुँचा हूँ घर और इतनी ज़्यादा थकावट हुई है ना कल की कि अभी तक तबीयत सही नहीं हो रही। और गाड़ी आपको दिखाऊं, जब मैं कल वापस आऊं तो बहुत ही बुरी हालत थी गाड़ी की, वॉश ना होने की वजह से और ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई थी। तो सुबह का लगा हुआ था, अभी 12 बज रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना सेटिंग वेडिंग है प्रॉपर तरीके से की है। फिर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, नीचे से ऊपर से चीज़ें बिखरी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। इंटीरियर को भी मैंने अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और अब जाके गाड़ी एकदम चलाने के काबिल हो गई है और ज़बरदस्त लुक निकल आई है माशाल्लाह। तो आज की ड्राइविंग रूटीन जो है ना उसको शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं फ्री हूँ, जैसे कोई ऑर्डर मिलता है तो फिर गाड़ी को लेके हम निकलेंगे। सो काम अभी हमें मिल गए हैं 2-3, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। सो मैं अभी गाड़ी लेके बाहर निकल आया हूँ। मौसम आज ऐसा है कि कभी बादल आ जाते हैं और कभी तेज़ धूप निकल जाती है। खैर अभी दूसरे घर से कुछ सामान पकड़ना है और फिर आगे चलेंगे। इधर भाई होंडा सिविक की सीटें वीटें खुली हुई हैं, गाड़ी जो है ना वो फुल रेनोवेट हो रही है। होंडा सिविक विदाउट सीट्स। अपनी गाड़ी भी ऐसे इंटीरियर और एक्सटीरियर से पूरी तैयार होने वाली है, लेकिन अभी इसके कुछ और ही प्लान चल रहे हैं। बादलों की आंख में झोली चल रही है, 2 मिनट पहले धूप थी और अभी दोबारा से धूप गायब हो गई है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं अपने कामों की तरफ। और एक साथ मुझे ना काफ़ी सारे काम मिल गए तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। खैर जल्दी से ये कंप्लीट करते हैं। तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद मैं आया हूँ वापस लाहौर और गाँव जाके एक ब्लॉग भी नहीं बनाया। बड़े ही दुख की बात है, इतना ज़्यादा मसरूफ़ था ना कि ध्यान ही गया कि ब्लॉगिंग भी करनी है। और अभी लाहौर वापस आके 2 दिन ऐसे ना अजीब सा फील होना है। जी एक साइड का राउंड जो है ना वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो अभी इस इलाके से निकलते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। सो फाइनली जी इस साइड से भी मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो निकलते हैं अभी यहाँ से। मैं कम ट्रैफिक वाले इलाके में कुछ दिन रह के आया हूँ और यहाँ पे आके मुझे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आज का पूरा दिन जब हम ड्राइव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड हो जाएंगे। 6 से 7 दिन गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया तो इसलिए ऐसा फील हो रहा है। फाइनली अभी मैं घर वापस पहुंच गया हूं और वापस पहुंचते ही खाना खाया है और अभी एक काम जो है ना वो बहुत ज़रूरी मुझे याद आ गया है, तो उस काम को कर लेते हैं। जहाँ मैंने इकट्ठे करने के लिए लगाई हुई थी ये ऊपर की तरफ तरपाल पूरे दरख्त के नीचे, तो सारे जामन जो है ना इस पर आके गिरते थे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते थे, लेकिन अब वो टोटली जो है ना ख़त्म हो गए हैं। तो अब इसको उतार लेते हैं क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो गया, बारिशें तकरीबन 1 दिन बाद होती हैं। तो जैसे ही बारिश होती है सारा पानी यहाँ पे जमा हो जाता है और ये बिल्कुल नीचे आ जाती है, गाड़ी गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ही इसको लगाया था, तो अभी मैं इसको खोल देता हूँ। पहले जो है ना वो मैं गेट वाली साइड से खोलता हूँ, फिर उसके बाद मुझे टेरेस पे जाना पड़ेगा और वहाँ से खोल के फिर हमारा काम हो जाएगा। ले जी फाइनली एक साइड से तो मैंने खोल दी है
अभी मुझे ऊपर टेरेस पे जाना पड़ेगा खोलने के लिए। फाइनली तरपार को मैंने ऊपर से भी खोल के इधर लगा दिया है, तो अभी इसको अच्छे से इसकी तह लगा देते हैं और फिर इसको रखते हैं। जी तरपार मैंने तय करके अच्छे से रख दी है, अभी इसको ऊपर टेरेस पे रखा था और जामुन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया हुआ है। तो जनाब अभी फिर से मैंने गाड़ी निकाली है और चलते हैं कुछ काम करने के लिए। तरपाल उतारते उतारते तो अच्छा खासा पसीना आ गया मुझे और अभी एसी थोड़ा तेज़ कर लेते हैं कि ड्राइविंग रूटीन जो है ना वो माशाल्लाह से अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है, मज़ा आ रहा है काम करने का। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर दिया तो प्लीज़ काइंडली लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हुए फुल ट्रैफिक जैम मिल गया जी आगे और अभी यहाँ पर पता नहीं कितनी देर रुकना पड़ेगा। मैंने बनवाना था कीमा और 10 से 15 मिनट लगे हैं मुझे, गाड़ी यहीं पे छोड़ गया था, ट्रैफिक जाम हो गई थी तो इधर ही मैंने साइड पे लगा दी और अभी तक ट्रैफिक निकल रही है। सो अभी फाइनली ट्रैफिक में से गुजर के मैं पहुंच गया हूँ चक्की पे, यहाँ से कुछ चीज़ें पकड़नी है और इसके बाद जो है ना आई होप कि हमारे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और आसा ईद कैसी गुजरी है? ज़बरदस्त, वो फिर मटन बीफ चला है पार्टी क्यों सब कुछ पार्टियाँ शार्ट पार्टी भी नाइट भी है माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारे फाटक पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन आ गई है, जब तक हम वहाँ पे पहुंचेंगे ट्रेन गुजर जाएगी, ये भी अच्छा हो नहीं तो यहाँ पे 20 मिनट तो कम से कम वेट करना ही पड़ता है। अभी भी ट्रैफिक निकलते निकलते 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। अभी मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ, आज की ड्राइविंग रूटीन जो है ना वो यहीं पे ख़त्म हुई। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा और आपसे हमेशा की तरह काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है ताकि हमारी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो जाए। सो मिलते हैं हमेशा की तरह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना जैसा ख्याल रखना है, अपने अपने फैमिली मेम्बर का जैसा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी गाँव में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। That you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions.